हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, कि लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या है। ठीक है, वैसे तो जितना आपके एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, ये बेसिक है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा और भी है जो कि आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, राइट? तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिपेयर और मेंटेनेंस का काम जो है वो हमेशा होते रहता है, राइट? तो यहाँ पे भी वही बात कही गई कि ये जो मेंटेनेंस का काम है ना, ये हमारे बॉडी में हमेशा होते रहता है, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, राइट? हम कोई भी काम कर रहे हो, सो रहे हो, बैठे हुए हो, चल रहे हो, खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास। ठीक है, अगर आप क्लास में मान लीजिए बैठे भी हुए हैं, फिर भी वो जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू है, वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो रुकने वाला प्रोसेस नहीं है। इवन वी आर जस्ट अस्लीप, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन। ये जो काम है इसे होना ही होना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये रुक नहीं सकता। फाइन, द प्रोसेस विच टूगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, इस लाइन को आप मार्क कर लो, राइट? इस लाइन को आप मार्क कर लो कि द प्रोसेसेस विच टूगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस, राइट? तो इस काम को करने के लिए अब जरूरी नहीं है कि ये काम सिर्फ एक प्रोसेस से हो, राइट? अब इस काम को करने के लिए कई सारे प्रोसेस हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, जो आपस में तालमेल बैठा के एक काम करते हैं, ठीक है, और वो कौन सा काम है? तो मेंटेनेंस का काम है। तो इन सभी प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ये जो मेंटेनेंस का प्रोसेस है ये क्यों जरूरी है? ताकि ये हमारे बॉडी को किसी भी तरह के डैमेज से बचाएगा, है ना, टूटने से बचाएगा। और इसके लिए क्या चाहिए होगा? एनर्जी चाहिए होगा। देखो इसके लिए क्या चाहिए हमें? एनर्जी चाहिए, राइट? और आप सभी जानते हैं कि एनर्जी हमारे बॉडी को किस फॉर्म में चाहिए? तो एटीपी के फॉर्म में, राइट? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज नीडेड फॉर देम। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अब ये एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? तो हम सभी जानते हैं कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं। अब सबका अपना अपना खाना है ना? तो आउटसाइड द बॉडी हम कुछ कंज्यूम करते हैं, राइट? और फिर वो हमारे बॉडी में जाके प्रोसेस होता है जिससे कि हमें एनर्जी मिलता है। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट? तो यहाँ पे कह रहा है कि जरूर ऐसा कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस हमारे बॉडी में होना चाहिए जो क्या करे कि आउटसाइड जो एनर्जी है, राइट, कि आउटसाइड जो एनर्जी है उसको जब आप कंज्यूम करें तो उसको आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करें, उसको कन्वर्ट कर दे एनर्जी में। ऐसा कोई ना कोई प्रोसेस जरूर है, विच वी कॉल्ड फूड। टू द इनसाइड अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। तो बाहर वो कौन सा चीज है जिसमें एनर्जी है? तो फूड, राइट? और अंदर जाने के बाद जिस प्रोसेस के थ्रू उसमें से एनर्जी रिलीज होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन, राइट? उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। तो देखो न्यूट्रिशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, है ना? तो न्यूट्रिशन मींस क्या? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी ऑब्टेन फूड, राइट? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी ऑब्टेन फूड। और जो फूड हम ऑब्टेन कर रहे हैं वो हमारे हेल्थ और ग्रोथ के लिए जरूरी है,
सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, ये मतलब है आपका न्यूट्रिशन का। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, अब देखो आगे क्या लिखा है कि इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। अब मान लीजिए शरीर को अगर बड़ा होना है, ठीक है, अब हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी का साइज अलग अलग है ना, तो उसको उसके शरीर के हिसाब से ग्रो करना है, तो जब उसके शरीर के हिसाब से ग्रो करना है तो बाहर से जो वो भोजन खा रहा है तो सभी का अलग अलग है, ठीक है। तो अब जैसे हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, तो हमारा बॉडी के ग्रो करने का एक रेशियो अलग है, ठीक है, अगर हम अपने बॉडी के ग्रोथ की तुलना करें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, राइट, तो उसका बॉडी का ग्रोथ अलग तरीके से होगा, उसको कुछ दूसरा चीज खाना पड़ेगा जिससे कि वो अपने बॉडी का ग्रोथ को मेंटेन कर सके, राइट। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड, ठीक है। तो अर्थ पे जो लाइफ है ये मोस्टली जो डिपेंड है ये किस पे डिपेंड है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे, राइट। अब देखो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, अब जैसे कि आप देखते हो कार्बोहाइड्रेट देखते हो शुगर देखते हो, तो किस चीज का बना हुआ होता है, तो कार्बन्स का बना हुआ होता है मेनली, है ना। और जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, राइट, उसमें भी मोस्टली वो कार्बन के ही बने हुए होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। अब ये जो कार्बन के सोर्स हैं, अब इनका अलग अलग तरह के ये हो सकते हैं, राइट, और उसी के आधार पे अलग अलग तरह के न्यूट्रिशनल प्रोसेस भी हो सकते हैं, राइट। अब आप देखिए जैसे घास है, ठीक, तो घास में एनर्जी है, राइट, अब घास केवल गाय ही खा सकती है, या जो जो जानवर जो चारा खाते हैं या वही सिर्फ घास खाते हैं, अब हम तो घास नहीं खा सकते, है ना, तो एनर्जी उसमें भी है लेकिन हम कंज्यूम नहीं कर सकते, उसे सिर्फ गाय कंज्यूम कर सकती है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड सिंस द एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, राइट। These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for various molecular movement needed for maintaining living structures as well as to the kind of molecules the body needs to grow. अब देखो, अब ये जो आप भोजन ले रहे हो, right? ये जो आप भोजन खा रहे हो, ये भोजन आपके बॉडी में जा रहा है, राइट, और बॉडी में जाने के बाद क्या हो रहा है कि उसका ब्रेक डाउन हो रहा है ना, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। अच्छा सॉरी, हम लोग ऊपर ही आ गए ना, और नीचे तो हम कहाँ थे, द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड सिंस द एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अब देखो जो हमारा एनवायरमेंट है वो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, राइट, और सभी का सोर्स ऑफ एनर्जी अलग अलग है ना, तो दी सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। अब बाहर जो ये अलग अलग तरह के फूड हैं, ठीक है, अब ये सबके बॉडी में जब जाते हैं तो क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग एनिमल है, उनके बॉडी में जब जाएगा तो फाइनली उसको कन्वर्ट करके तो एटीपी के ही रूप में देना है ना, तभी तो वो एनिमल उस एनर्जी को यूज कर सकेगा। तो ऐसा कोई तो सिस्टम तो होना चाहिए बॉडी में जो कि एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर सके, है ना, और सो दैट कि आपके बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हैं, है ना, वो कंटिन्यू हो सके ताकि
जो लिविंग स्ट्रक्चर है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने मेंटेनेंस को कंटिन्यू कर सके, राइट? अच्छा, आगे देखिए। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी। देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो पहले। अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी, ठीक है? मतलब हमारे बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो कि जरूरी है, आवश्यक है, राइट? अब यहाँ पे एक टर्म आपको समझना है, मेटाबॉलिज्म, राइट? आपने सुना होगा शायद कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है ना? तो मेटाबॉलिज्म मीन्स ऑल दोज केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, विच आर कंटिन्यूअसली टेकिंग प्लेस इन आर बॉडी, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में क्या कंटिन्यूअसली होते रहता है। तो अब ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं हमारे बॉडी में, ये दो तरह के होते हैं, ठीक है? एक को कहते हैं हम कैटाबॉलिज्म और दूसरे को कहते हैं एनाबॉलिज्म, राइट? तो कैटाबॉलिज्म में वैसे केमिकल रिएक्शंस आते हैं जिनके द्वारा, जिनके थ्रू हमारे बॉडी में कुछ ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, डिसोसिएट होता है, राइट? और एनाबॉलिज्म में वैसे केमिकल रिएक्शंस आते हैं जिसमें कि हमारे बॉडी में कुछ चीजें मिलकर एक नया चीज बनाती है, ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्टिव होता है, कुछ नया बनता है उसमें। तो ये दो तरह के केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि हमारे बॉडी में होते हैं और जो कि नेसेसरी है, राइट? आगे देखिए। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स, ठीक है? अब यहाँ पे दो बातें कही गई है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस, ठीक है? वही कहने का मतलब कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक है? अब आप जानते हैं कि जो फूड है हमारे बॉडी में वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही टूटता है ना, सो दैट इज ऑक्सीडाइजिंग, है ना? और उसका ठीक अपोजिट क्या होगा, रिड्यूसिंग। तो ये दो तरह के रिएक्शंस हैं जो कि फाइनली क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, राइट? फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स्ड फ्रॉम आउटसाइड, और इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन हम लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेस ऑफ सेलुलर फॉर सेलुलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है? तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो रेस्पिरेशन का मतलब समझाया गया, उसे ध्यान से समझो कि रेस्पिरेशन कहने का मतलब है कि आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, राइट, आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, फाइनली इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, राइट? और उस फूड से एनर्जी जो निकलेगा वो आपके बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज में काम आएगा। तो रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि आप ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं और आपका फूड ब्रेक डाउन हो रहा है टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज, ठीक है? अब इस रेस्पिरेशन को आप ब्रीदिंग से मत कंपेयर करना, क्योंकि ब्रीदिंग अलग चीज है। ब्रीदिंग मतलब सिर्फ सांस का लेना, ठीक है, और छोड़ना, ये ब्रीदिंग होता है। रेस्पिरेशन अभी जो मैंने बताया वो है। इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, अब जरा आगे देखो ये क्या कह रहा है। इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड। अब अगर आप सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनके पास ऐसा कोई भी निश्चित ऑर्गन नहीं होता है जिससे कि वो फूड को ले सके। एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट। अब इसका सीधा सा एग्जाम्पल आप अमीबा से आप इसको कर सकते हैं, है ना? आप पढ़े भी हैं अमीबा के बारे में। तो उस अमीबा में क्या होता है कि ये मान लो अगर आपका अमीबा है, दिस इज, ये मान लो अगर आपका अमीबा है, तो इसका ये जो पूरा बॉडी का सर्फेस है ये एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में है, ठीक है? तो इसे एक ऐसा सर्फेस मिला है जिससे कि ये एक्सचेंज कर सकता है, राइट?
बट वॉट हैपन्स वेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, लेकिन क्या होता है जबकि बॉडी का साइज बढ़ जाए, यानी कहने का मतलब कि मल्टी सेलुलर अगर बॉडी हो तो कहने का क्या मतलब है ना। तो देखो, तो जब बॉडी का साइज बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसके रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगे, है ना। बॉडी का साइज बढ़ जाएगा, उसके रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगे, उसके उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा, है ना। इंक्रीजेस एंड द बॉडी डिजाइन मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप ह्यूमन से इसको कंपेयर कर सकते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट, द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द सेल्स। तो यहाँ पे जब आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उनका जो बॉडी है वो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि सिर्फ सिंपल एक डिफ्यूजन से काम नहीं चलता है, ठीक है। डिफ्यूजन आप पढ़े हैं 9th में, तो सिंपल डिफ्यूजन से काम नहीं चलता है, तो उसके लिए उसको प्रॉपर एक सिस्टम चाहिए होता है जिसके थ्रू वो अपने वेरियस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शंस दे परफॉर्म, ठीक है। तो आपने पहले देखा होगा कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। तो उनका फंक्शंस भी क्या है, स्पेशल उनका एक फंक्शन है, राइट, जो कि वो परफॉर्म करते हैं। वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो स्टूडेंट्स, आप ये समझ रहे होंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, राइट, कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो कि उस ऑर्गेनिज्म के किसी पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन विल आल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ठीक है। तो इससे आपको सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है कि फूड का जो अपटेक है, ठीक है, वो किसी स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के द्वारा, सॉरी, स्पेशलाइज्ड टिश्यू के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन हाउएवर दिस पोजेस अ प्रॉब्लम सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये जो बात थी कि कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म तक ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप हायर एनिमल में आएंगे, मल्टी सेलुलर एनिमल में आएंगे, तो वहां आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो फूड और ऑक्सीजन है, राइट, जो फूड और ऑक्सीजन है आर नाउ टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो अब क्या हम क्या करते हैं, खाना एक बार में खाते हैं, ठीक है, सांस हम लेते रहते हैं, बॉडी में भरते रहता है सांस, वाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीडेड देम, क्योंकि शरीर के सभी जो हिस्से हैं उन्हें इक्वल अमाउंट में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। तो ये जो परिस्थिति है कि आपके बॉडी में हर एक जगह को, हर एक सेल को, हर एक पार्ट को इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंचना जरूरी है, जिसके लिए कि आपके बॉडी में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का होना मस्ट है, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम क्या होगा कि वो आपके बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं या जो भी फूड है, ऑक्सीजन है, उसको वो कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाएगा। व्हेन केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी बट कुड इवन बी हार्मफुल। अब जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसका कुछ बाय प्रोडक्ट भी निकलेगा, राइट। तो हमारी बॉडी में भी जो केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं तो उनका कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट निकलता है। अब ये जो बाय प्रोडक्ट होता है ये हमारे लिए हार्मफुल होता है, तो ये जो बाय प्रोडक्ट है ये वेस्ट के रूप में हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, राइट। अब एग्जाम्पल अगर आप लें तो जो CO2 हम निकालते हैं दैट इज ऑल्सो वेस्ट बाई प्रोडक्ट, ठीक है।
ओके, जो पसीना हमारे बॉडी से निकलता है दैट इज ऑल्सो वेस्ट। तो इन सारे चीजों के लिए क्या है, एक अलग से एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। तो देखो, दीज वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाई अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बन रहा है उन्हें बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत है, जिसके लिए कि एक प्रोसेस बताया गया है जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। अगेन, इफ द बेसिक रूल्स फॉर बॉडी डिजाइन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉलोड, अ स्पेशलाइज टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप्ड। ठीक है, विच मीन्स दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम सेल्स टू दिस एक्सक्रीटरी टिश्यू। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ठीक है, उसी में ये काम ऐड कर दिया गया है कि वो जो वेस्ट जो चीज है उसको भी ये कैरी करेगा और बॉडी से बाहर निकालेगा, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है कहीं भी, आप जरूर क्वेश्चन पूछें, ठीक है। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, राइट। अगले लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप समझ के आए, ठीक है, अभी तक जो पढ़ाया उसको समझ के आए, है ना। और अगर पॉसिबल हो तो खुद से इन क्वेश्चन को आंसर लिखने का कोशिश करें, फिर जब हम अगले क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो आप मैच कर लें कि आपका आपने क्वेश्चन सही लिखा है या नहीं, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं कल। टिल देन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।